हाँ जी कर्मपाल जी आ गए। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून अंकित भाई। और किसने आना है? अंकित जी, अंकित धर्मपाल भाई, इस महीने मेरे को 3 चाहिए सीएससी वीएलई की और एक आरएमवी पे। ठीक है सर, करते हैं, दे कर दो कर दो। देंगे सर। ठीक ऑरेंज ऐप जरूर करवा देना, ऑरेंज ऐप के थ्रू ही आनी चाहिए। और रेनो मॉडल विलेज में उसको बोलना, रेनो मॉडल विलेज का सिलेक्ट जरूर करेगा, नहीं तो आएगा नहीं। सर। मैंने कहा रेनो मॉडल विलेज का डीएमएस में सिलेक्ट जरूर करेगा पंचिंग करते वक्त। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अंकित भाई, धर्मपाल भाई, गुड आफ्टर, गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। रतन सर, गुड आफ्टरनून। धर्मपाल भाई, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार। और कौन आ रहा है अंकित भाई? अच्छा, ये अभी आशीष और ज्वाइन कर रहा है सर, मिस्टर आशीष धवन और ज्वाइन कर रहा और करमपाल जी, अर्पित जी भी हैं? है। अर्पित जी को भी मैंने सर व्हाट्सएप भेजा हुआ है। करमपाल जी एक बार बोलो उनको। उनका पता नहीं ना सर, वो बिजी है, कहाँ है कहाँ नहीं। मैं भी एक्चुअली बाहर ही था, मैं भी ऑफिस में नहीं हूँ। अच्छा, अच्छा अच्छा हमारे कहने पे तो तुम्हारा को बजट दे दिया तुमने, और देख लो उससे बुकिंग भी हुई सर। करमपाल हैज दैट वंडरफुल जॉब। आई नो, ही इज ऑलवेज प्रोडक्टिव पर्सन, जो कमिट कर हाँ देता है वो हो जाता है। यही इनकी खास खूबी लगी मेरे को भी है कि ये अरे ये मतलब महीने में ही इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन, अभी सीएससी वीएलई की 3 रिटेल अपने को मिलेगी इस महीने में, और ऑलरेडी चल रहा है काम, और एक रेनो मॉडल विलेज में भी पंचिंग होगी। ही इज ऑलरेडी बहुत डूइंग बढ़िया इट, सर। ही इज ऑलवेज अ पॉजिटिव पर्सन, ऑलवेज। नहीं होता तो बोल देता नहीं हुआ। अब इनको सर आरडीएससी सपोर्ट भी दिया है हम लोगों ने ना, इनके हाँ, पुरस्कृत बहुत सबसे बढ़िया, ज्यादा नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा आरडीएससी सपोर्ट इन्हीं को दिया हुआ है। बहुत इनके बढ़िया। ऊपर है कितना माइलेज ले पाते हैं सब चीजों का, और कितना क्या आउटपुट ले पाते हैं। तो धर्मपाल, इस महीने टोटल कितना कर रहे हो पानीपत में? पानीपत में वही है सर, 8-9 के आसपास है और टोटल कितने पे क्लोज करेंगे? टोटली है सर। अच्छा, नहीं 15 नहीं पकड़ेंगे, 15 पड़ेंगे सर। 15 पे तो क्लोज करेंगे ना, ये सी वी एल ई और ये सब लेके। अरे सर, टोटल 8-9 ही होएंगी, अभी 5 हुई हैं, रेनो मॉडल विलेज और सी एस सी अरे वेली हो यार, गए। मैंने मैंने तो तुम्हारी टीम को कमिट किया था, मैं आ करके पार्टी दूंगा, मेरे को पार्टी का ही मौका नहीं दे रहे। अरे सर क्या बताएं, बस कुछ नया नया मार दो सर, लड़के या मार दे, सारे जा रहे हैं, क्या करें सर। ये वही है, अभी ग्रामीण महोत्सव कब का प्लान कर रहे हो आप? फर्स्ट वीक में करेंगे सर, नेक्स्ट मंथ। हाँ अच्छा, 6 तारीख का है आपका शायद, क्या सर? हाँ जी, 6 तारीख देखा का, है? 6 तारीख का प्लान है इनका सर। ये 6 तारीख को ही करेंगे, है ना? ठीक है, जो और वो डेट्स अपनी फिक्स है इनकी, 6 तारीख। वेरी गुड वेरी गुड। सर जब तक एक बार स्क्रीन सर डिस्प्ले करिए सर, मैंने उसको आशीष को बोला है, मैंने ज्वाइन कर रहा है मैंने उसे। हाँ, तो हम लोग फिर चालू रखते हैं ताकि टाइम लगेगा। दिख रही है स्क्रीन? धर्मपाल, स्क्रीन दिख रही है? चलो जी हाँ जी, हाँ जी, श्योर है सर। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, तब तक आशीष जी भी ज्वाइन कर लेंगे। तो करमपाल भाई, आप तो ऐसे सब कुछ जानते हो, आप अच्छे करते हो, आपके साथ तो मैंने बहुत इवेंट किए हैं, और आपको ज़्यादा बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो आपके यहाँ तो मैंने रेनो मॉडल विलेज बहुत अच्छा किया है, रेनो बुकिंग सेंटर किया है, ग्रामीण महोत्सव भी किया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे काम आपने किए हैं, तो उसी प्रकार से इसी को भी लेके चलेंगे। बट ब्रीफली मैं आपको गाइडलाइन दे दूं कि जैसे आपको पता है, ग्रामीण महोत्सव एक फेस्टिव सीजन होता है,
और ये इवेंट इसीलिए हम करते हैं कि ताकि जनरल अवेयरनेस और बड़े डीलरशिप की गांव में, तहसील में, और जो टारगेट कस्टमर्स हैं आपको पता ही है, ट्रेडर, टीचर्स, बैंक ऑफिसर, ट्रैक्टर ओनर्स, सरपंच, प्रधान, कौन से गांव में कर रहे हैं हम? इसराना में ही सर, इसराना और बिहोली दो गांव देख रखे हैं सर। अच्छा, तो करोगे काम बिहोली में या इसराना में? कोशिश तो बिहोली की ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि इस राना में हम पहले भी कर चुके हैं, मैं सोच रहा था कि अब कि यहाँ पे कर लें कि कम से कम कोई नया अटैचमेंट होए। इस राना कितना दूर पड़ गया? ये पानीपत में ही है सर, बिहोली इधर गांव में ही। अच्छा, नहीं कितना दूर पड़ेगा इस राना से? इस राना से तो होगा ये, मतलब अपने शोरूम की साइड ही है ये, इस राना से पड़ेगा 20 किलोमीटर। हाँ ठीक है, तो कस्टमर हम बुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, आसपास के गांव से बुला सकते हैं। तो ठीक है, आपने प्लानिंग सही स्टार्ट कर दिया, अभी 10 दिन पहले से ही एडवांस प्लानिंग है हमारी। और अभी आज एक काम करना, जब आप शोरूम पे चले जाओगे आज या कल में, आप एक कोर टीम अपनी बना लो जिसमें आप जो है हेड करोगे, और कौन सा टीम लीडर और RDSC या सेल्स कंसल्टेंट होगा, और साथ में EDB को इन्वॉल्व कर लेना। ठीक है, और जब आप मीटिंग करोगे, जैसे ये राइट साइड में पिक्चर दिख रही है, इसी प्रकार से मैं PPT भेजूंगा आपको, आप इनको दिखाते हुए इसी प्रकार से एक पिक्चर भी ले लेना, ताकि हर दिन जो हमने एक्शन लिखा है और मेरी PPT में फोटोज हैं, वैसे ही आपने भी लेनी है। फिर फाइनलाइजेशन ऑफ थीम कर लेना, थीम आप देख लो क्या करना चाहते हो। इस राना तो हमारा रेनो मॉडल विलेज और RBC सेंटर था, तो अभी बिरोली को आप ले लो कि कुछ भी ले सकते हो, अगला गांव है ना। ठीक है जी, एक गांव कर लिया, अभी दूसरे गांव, गांव में उन्नति कुछ ऐसा करके थीम ले लेना। और वेन्यू आप देख लो, अच्छी वेन्यू होनी चाहिए जहां पे 70-80 बंदे आ जाएं, क्योंकि हम 500 प्लस को तो हम लीफलेट बांटेंगे, इनविटेशन बांटेंगे, और टारगेट रहेगा कि 200 प्लस पार्टिसिपेट आ पाए। लेकिन 200 प्लस अगर नहीं आते, कम से कम हमारे एंड में 80-90-100 बंदे तो हों। और जहाँ पे भी वेन्यू होगा, नेसेसरी परमिशन वगैरह चेक कर लेना आप, और जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे आप पहले से फाइनल करते हो ना, टेंट वाला, सीट वाला, और बैनर वाला, कहाँ कहाँ पे डिज़ाइन है, केक वाला, जो भी करना है वो सब आप पहले से ही कर लेना। और साथ साथ में आफ्टर सेल्स टीम, एक्सचेंज, इंश्योरेंस, बैंक, महिंद्रा फाइनेंस या जिसको भी बुलाना है वो बुला लेना। दूसरा, वहाँ से सरपंच जो भी होगा वहाँ का एरिया का, उसको जरूर कॉन्फिडेंस में बॉस लेना बिहोली वाले को। ठीक है, उसको जब कॉन्फिडेंस में ले लोगे तो वो चीफ गेस्ट भी बन सकता है, या किसी और को भी चीफ गेस्ट, किसी प्रोमिनेंट बंदे को आप ले सकते हो, इसको गेस्ट ऑफ ऑनर बना सकते हो, इन्फ्लुएंसर और ही ले सकते हो, आसपास के गांव के और भी सरपंच ले लेना, CSC DM हो गए, VLE बैंक हो गए, और इसको जरूर बुला लेंगे अपना जो CSC का DM है, वो तो मैं भी उसको फ़ोन कर दूंगा, और CSC के स्पोक को भी कर दूंगा। गाड़ी कौन कौन सी डिस्प्ले करनी है ये आप तैयार कर लेना, स्पेशल डिस्काउंट उस दिन के लिए आप एक ऑलरेडी अर्पित जी से ले लेना एडवांस में, जैसे पहले हम लोग ने किया था ऑन द स्पॉट बुकिंग करने पे, और उसी महीने पे रिटेल करने पे 5,000 रुपये तक का पेट्रोल टैंक फ्री फुल, या फिर एसेसरीज। और डिलीवरी प्लान कर लेना वहाँ पे बहुत सौ साइट से ही। कोशिश तो हमारी ये है कि 10 दिन का प्रोग्राम है, तो हर दिन आपका कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहेगी, इसके लिए तो 5 कार अगर नहीं हो रही, कम से कम 2 गाड़ी हमारी ऑन द स्पॉट डिलीवरी हो और 5 की बुकिंग हो, ये हम टारगेट लेके चलेंगे उस दिन का। और मैं आऊँगा आपके पास में, और हो सकता है कि बाकी भी कंपनी से कोई ना कोई मैनेजमेंट जरूर आएगी। न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर, मुनाडी, अदर रिसोर्सेज एजेंसी जो भी हैं, उन सबको आप पहले से ही एडवांस में बता देना। अभी इवेंट के 9 दिन पहले जो काम करना है, लोकल इन्फ्लुएंसर जो भी चीफ गेस्ट हो वो फाइनलाइज करना है, लोकल डिग्निटरीज को करने, और चीफ गेस्ट जो भी होगा बड़ा जो होगा, जैसे यहाँ पे SDM के केस में ये देखो, सेल्स हेड खुद ही वहाँ पे गई हुई है उनको इनवाइट करने के लिए, और ये बैनर ये भी आपको मिल जाएगा आज शाम तक या कल तक, ये इनविटेशन बन जाएगा, आप लोकल अपना ये इनविटेशन कार्ड फिजिकल बनवा लेना, याद है नहीं छपाने इनविटेशन कार्ड, आप जो है एक तो इनके लिए, बाकी सरपंच वगैरह के लिए, स्कूल वालों के लिए, बैंक वालों के लिए, करीब 40-50 आप जो है
वो प्रिंट आप करवा लेना, और अर्पित जी को जरूर बता देना कि अपनी डेट ब्लॉक कर दे, अगर वो आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। बाकी को स्पॉन्सर्स, टायर, बैटरी, ल्यूब, सीट्स कंपनीज आ जाएं और पार्टिसिपेट करने के लिए इवेंट में लोकल यूट्यूबर्स ये सब हों, CSC, स्पोक, DM, एक्सचेंज फाइनेंस, और यदि वहाँ पे इन्वॉल्व करना है आपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर जो पुलिस के अधीक्षक है वो भी आ सकते हैं CSC, DM और VLD के साथ। 8 दिन पहले आर्ट वर्क आपके पास रेडी होना चाहिए, आप कलेक्ट कर लो आर्ट वर्क, बैकड्रॉप, बैनर, गेट एक्सेट्रा, इसकी एक बार हमको सॉफ्ट कॉपी आप दिखा दोगे जब मैं आपको भेज दूंगा तो प्रिंटर से करवा के, ताकि बैनर फट तो नहीं, पिक्चर फट तो नहीं रही, सब कुछ ठीक लिखा है, हम ओके कर देंगे, फिर आप उसको प्रिंट करा लेना। और लोकल मीडिया को कवरेज को इनवाइट करना जरूरी है, क्योंकि इसका माइलेज तभी मिलेगा जब अपने को वहाँ पे प्रेस रिलीज होगी, तो इस बार प्रेस रिलीज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है जो होना चाहिए। 6 दिन पहले हमारे इनविटेशन कार्ड्स आप कलेक्ट करके प्रिंटिंग स्टेशनरी वाले से कस्टमर की लिस्ट भी तब तक आप फाइनल कर लो, आपके यहाँ पे जितने भी कोल्ड कस्टमर्स हैं, हॉट कस्टमर्स हैं, लॉस्ट कस्टमर्स हैं, वो सबकी लिस्ट एक बार लेकर के फिर से CRM, अपने सेल्स कंसल्टेंट, RDAC, टीम लीडर सबको लगा दीजिए कि भैया हमने इनवाइट करना है, यहाँ तक कि रिसेप्शनिस्ट को भी, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनविटेशन कार्ड सबको करना है। 500 बंदों को अगर हम इस तरीके से जाके वो बिहोली गांव में और इसराना और साथ में और कौन सा गांव पड़ेगा? बिहोली है सर, बापोली है, शाहजपुर है, हाँ, तो तीन चार गांव, बस बस 3-4 गांव में अगर हम बटवाएंगे और बुलवाएंगे इनको और अच्छा काम हो जाएगा। और 4th दिन पहले फिर भी इनविटेशन ऑफ कार्ड देते रहेंगे, मोमेंटो और गिफ्ट सबके लिए जरूर होनी चाहिए, ये जितने भी स्टेज पे होंगे उनको साफा बांधना या उनके वो शॉल देना या कोई भी गिफ्ट देना वो आप देख लेना, और लीफलेट इंसर्शन भी हम 4 दिन पहले करवाना शुरू कर देंगे उसी लोकल एरिया में, गांव में, और वहाँ लोकल एरिया 3-4 गांव भी जो हैं वहाँ पे हम बटवाएंगे। और 3 दिन पहले हम ये मुनाडी ई रिक्शा पे लेकर के मुनाडी वाले को फाइनल कर देंगे, इसका मैं बैनर आपको दे दूंगा, 3 बैनर साइड में प्रिंट करा के ये मुनाडी सुबह जो है 9 बजे से लेकर के शाम को 5-6 बजे तक घूमता रहेगा, वहाँ पे लीफलेट बांटता रहेगा, और साथ में आप रूरल सेल्स कंसल्टेंट को फाइनल कर लेना, जो भी RDAC आपका अच्छा काम अभी तक कर रहा है 9 महीने में किया है उसको फैसिलिटेट करना बड़ा जरूरी है कस्टमर के सामने, ताकि वो एक हमारा हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ा रहे और छोड़ छाड़ कर ना जाए। रिफ्रेशमेंट, स्नैक्स, लंच, डिनर, जो भी आपका स्केल ऑफ इवेंट होगा, आपको पैसा सेंक्शन किया है अभी, जैसे आपने पहले भी किया था, आपने पैक्ड वो मंगवाए थे अपने समोसा और सैंडविच, चिप्स वगैरह जो भी, उस तरीके से भी कर सकते हो, या अगर वहाँ पे गांव में लोग ज़्यादा लाइक करें, कई जगह पे लाइक करते हैं कि जैसे एक तरफ चलो वहाँ पे लोकल हलवाई को बिठा दिया, लोकल भी हमने एक जॉब क्रिएट कर दी कि उसको भी कमाई हो जाएगी, चलो 4 पूड़ी और आलू पैक करके वो सबको देता जाए और साथ में पानी देता जाए, भंडारा खुल जाएगा। गांव वालों को ये भंडारा का इज्जत एक लगती है, ये सम्मान लगती है, क्योंकि वो पैक्ड लंच तो ऐसा लगेगा कि चलो लेके चले गए, लिया और चल दिया, क्योंकि हम लोग फिर क्या करते हैं ग्रामीण बसों के बीच में ही बांटना शुरू कर देते हैं, वो लोग वेट करते नहीं है, उठ जाते हैं, भंडारा के नाम पे हम ग्रामीण महोत्सव के बाद उसको खोल के कम से कम इनवाइट कर सकते हैं। फिर मुनाडी PA सिस्टम ये 3 दिन चलेगा, 3rd दिन, 2nd दिन और 1 दिन पहले भी। कंफर्मेशन 2nd दिन पहले कस्टमर से ले लेनी है, हमारी सभी टीम को टारगेट होगा कि 20-25 कस्टमर भैया तुम्हारे टारगेट हैं, इनको बुलाना जरूरी है, और साथ में चीफ गेस्ट की कंफर्मेशन ये तो आपको खुद लेनी पड़ेगी, और स्टेटस ऑफ व्हीकल्स जो डिलीवर करनी है वहाँ पे 2 गाड़ियाँ कम से कम डिलीवर हों और 3-4 की बुकिंग आए वहाँ पे, जो गाड़ी डिस्प्ले पे, जैसे ये आपने बहुत अच्छा डिस्प्ले कर रखा था, आई एम रियली वेरी थैंकफुल, आप तो हमेशा ही काम अच्छा करते हो, लेकिन अंकित ने फर्स्ट टाइम देखा था, बट अंकित हैज अप्रिशिएटेड अ लॉट, मैंने देखा है आपकी एक्टिविटीज़ को और रिजल्ट भी आया है, और स्टैंडी वगैरह लगा करके इस तरीके से डिस्प्ले भी करिए। और एक शाम पहले सुबह, ये नहीं कि हमने 9 बजे स्टार्ट करना है तो हम 10-11 बजे तक टेंट वाला कोई खुदवा रहे हैं ना, एक शाम पहले ही उसको बोलिए अपनी बांस बंबू जो भी टांगने सब कर दे, और सुबह सुबह आके 8 बजे
अपना वो ऊपर लगा दे क्या कहते हैं कैनोपी, और फिर जो है हम बैनर वगैरह लगवा देंगे उससे फ्रेम पे, और डिस्प्ले ऑफ व्हीकल अरेंज कर देंगे पीओपी मटेरियल स्टैंडीज के साथ में, अवेलेबिलिटी ऑफ रिफ्रेशमेंट स्नैक्स एक तरफ होगी। हर आदमी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि किसने क्या क्या करना है, और इवेंट डे वाले दिन इस तरीके से हमारा आर्क गेट होगा, बड़ा शामियाना साफ़ सुथरा होगा, गाड़ी डिस्प्ले होगी, एक तरफ गाड़ी डिलीवरी वाली खड़ी होगी जहाँ पे ये चाबी वगैरह हम देंगे, और बैकड्रॉप बैनर लगेगा, गाड़ी सजी हुई होनी चाहिए जो हमारी डिलीवरी वाली हो, साथ में ढोल थाली ये सब होना चाहिए जिससे हम पूजा करके डिलीवर करें, और प्रोफेशनल कैमरामैन पहले से ही हायर कर लेना क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा हमारे। इस बार जो बजट सैंक्शन है ये हमारा फ्रांस मैनेजमेंट के साथ मिल करके सब कुछ जाएगा डिटेल की एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे डीलरशिप ने क्या काम किया ग्रामीण एरिया में, तो डायस पे बैठे हुए लोगों का सीएससी वीएलई होंगे, सरपंच होंगे, जो 5-6 सरपंच जो आप एरिया बोल रहे हो 5-6 सरपंच जरूर बुलवाइएगा वहाँ पे, सभी एरिया के सरपंच को सम्मान करके सरपंच का इन्विटेशन मैं भेजूंगा कार्ड, वो इंडिविजुअल को आप नाम वहाँ पे चेंज करके हाथ से लिख करके इन्वाइट करिएगा। जिस दिन हमारा इवेंट हो जाएगा उसके बाद ये हमारे ये देखिए प्रेस कवरेज है, इसका भी ब्रीफ मैं कर दूंगा। प्रेस कवरेज हमारी एक फ़ोटो के साथ में अच्छी सी आनी चाहिए ताकि असीम के बारे में रेनो के बारे में डिटेल लिखा हो कि हमने क्या क्या काम किया। टारगेट हम लेके चलेंगे कि प्लान करेंगे 200-250 विजिटर्स आएँ, 40 इंक्वायरी निकले, हॉट इंक्वायरी 12 निकले, टेस्ट ड्राइव हम 40 को कर पाएँ, बुकिंग कम से कम 5-8 और एक्सपेक्टेड डिटेल 2-5 हम लेके चलें, फिर एक्चुअल जो भी आएगा वो आप ब्रीफ हमको एट द एंड ऑफ द डे इवेंट डे वाले दिन कितने विलेज हमने कवर किए और कौन कौन से विलेज कवर किए, कितने विजिटर्स आए, इंक्वायरीज आई, हॉट इंक्वायरी, टेस्ट ड्राइव, एक्सचेंज ऑफर, नंबर ऑफ बुकिंग डिटेल, यहाँ तक कि आप अगर महिंद्रा फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस और जो एक्सचेंज वाले हैं और भी दुकानदार सबको बुलाएंगे तो ऑन द स्पॉट भी हम एक्सचेंज ऑफर कर सकते हैं, और जितने लोग हम बुला सकते हैं नंबर ऑफ विजिटर्स जितने राइज होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट और इंक्वायरी आपकी बढ़ जाएगी। और ये क्रिएटिव्स हैं जो अभी आपको शाम तक या कल सुबह तक मैं भेज दूंगा, अभी फाइनल हो रहे हैं आर गेट और बैनर। इस तरीके का बैनर है जो लगेगा मुनाडी पे भी, और केक का डिज़ाइन भी यही होगा, तो केक का डिज़ाइन अगर आप बनवाना चाहोगे बनवा लेना, और अच्छा होगा कि वहाँ पे हम इसको महोत्सव के पहले इनॉग्रेट करेंगे। ये एक हमारी एक्सेल शीट है जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि क्या क्या काम है, क्या काम के डिटेल्स हैं, किसकी जिम्मेदारी है, टारगेट डेट क्या है और बजट क्या है। आपको टोटल बजट जो है अंकित ने दे रखा है, वो टोटल बजट को आप ये सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने हिसाब से कि कहाँ पे आपको फ़ायदा ज़्यादा लेना है। जैसे शामियाना टेंट है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मीडिया पे प्रेस रिलीज करनी है, मोमेंटो देने हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मुनाडी पे कॉम्प्रोमाइज, मुनाडी 3 दिन के लिए लगातार अगर कर लोगे तो वो सस्ते में हो जाएगा, है ना। और कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन बनवाने हैं 500 को, रिफ्रेशमेंट देनी है, खाना पीना खिलाना है, गिफ्ट मोमेंटो देनी है, और साथ साथ में फील्ड विजिट पहले से करना है, प्रोफेशनल कैमरा वीडियो वाले को लेकर के लाइन अप करना है ताकि प्रॉपर कवरेज हो जाए, 2-4 बीच में से वीडियो शॉर्ट्स भी बन जाए स्पीच की, लेक्चर्स की, और सरपंच जो भी बोलेंगे, चीफ गेस्ट वगैरह। तो इसकी भी मैं आपको एक्सेल शीट भेजूंगा, आप कल तक में अपनी सुबह कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम बना लीजिए, और कल की मॉर्निंग मीटिंग में आप ये बजट वगैरह भी अपना फाइनल अप्रोक्सीमेट कर लीजिए, और अर्पित जी को बता दीजिए कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, और क्या क्या इवेंट करने हैं। तो हर दिन आपने जैसे 6 तारीख को हम बोले ना, आज क्या तारीख है, आज है 26 तारीख, 27 को मान लो आपका 10वां दिन हो गया, 28, 29, 30, 31 और 1, 2, 3, 4, 5, हाँ बिल्कुल ठीक है, 10 दिन आपके होते हैं 5 तारीख पर, तो आप बेहतरीन काम कर सकते हो ताकि 6 तारीख को हम इसमें बड़ा बढ़िया कार्यक्रम करें, और हम लोग भी सुबह सुबह आपके पास पहुंच जाएंगे, और उसके पहले भी मैं एक बार जरूर आऊँगा आपके पास चेक करने के लिए और बताने के लिए। अभी जो सरपंच ने आपने बुलाना है, रतन सर, हाउ आर यू? वेरी गुड, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट व्हाइल आई थिंक आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो
I just joined in a little late, but I can see that आपने ग्रामीण महोत्सव का ये plan live किया हुआ है. Right. I believe करमपाल और आप सुन पा रहे हैं करमपाल? Yes sir. आप तो रोहतक में अभी फिलहाल, if I'm right. हाँ जी फिलहाल रोहतक हूँ सर. तो ये प्रेजेंटेशन को देख पा रहे हो? सवाल ये है किस तरह सुन पा रहे हो? नहीं देख भी पा रहा हूँ सर और सुन भी रहा हूँ सर. जी सर. आपके ओपिनियन में गरमपाल ये डेट जो चूज करी है ये रेनो इंडिया ने रतन जी सॉरी आई एम नॉट अवेयर तो ये डेट हमने चूज करी है रतन जी ने चूज करी है सर? नहीं ये अंकित सर से डिस्कस हुआ था कि फर्स्ट वीक में करना है तो 6 तारीख का अंकित जी से बात हुई थी सर कि भाई 6 तारीख का सर मैं. हाय अंकित जी. हाय कैसे हो? हाउ आर यू? आई एम फाइन सर ऑल वेल. मेरा सर सिर्फ एक छोटा सा इनपुट ये है, मैं आई डोंट वांट टू बी द स्पॉइलर फॉर द इवेंट बट व्हाट आई सजेस्ट इज इट्स अगेन the festival period which will be there on the first week of the month. So Diwali is on the 14th, the Dhanteras will be on the 12th. Even though we are not doing any substantial business every day ki hum jo ek din nahi nikal payenge, but it's again a Monday, it's the start of the day, week. So either we schedule it for a Saturday jahan pe relatively retail business kam hota hai hamare case mein in our market. So करमपाल आप इसको कब आइडली शेड्यूल करना चाहते हो और अगर हम कर पाएंगे अकॉर्डिंगली विद दी ग्रामीण महोत्सव उसके हिसाब से पूछ रहा हूं मैं. हेलो करमपाल. हेलो करमपाल सुन पा रहे हैं आप सवाल जो मैंने पूछा? नहीं सर वॉइस ब्रेक और ये नेटवर्क प्रॉब्लम है सर. मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे फिर से कि व्हाट इज द आइडियल डेट फॉर डूइंग दिस इवेंट? इज दिस डेट ओके एंड डे ओके कंसीडरिंग इट्स गोइंग टू बी दिवाली ऑन द 14th एंड धनतेरस ऑन द 12th, उसके पहले फर्स्ट वीक में अगर आपको कोई दिन चूज करना होता बिटवीन सैटरडे और मंडे व्हाट वुड यू चूज जहाँ पे माइलेज भी मिल जाए और आपका डिस्टर्बेंस भी ना हो शोरूम पे या रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से? वो तो सर फिर सैटरडे का ही बेस्ट रहेगा सर मंडे की बजाय. तो आपने प्रपोज किया जब अंकित सर को जब उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया 6 तारीख मंडे की बात जब आपसे म्यूचुअली हुई? हाँ जी. डिड वी डिस्कस दिस कि हम 4 तारीख नवंबर को कर लें? 4 तारीख का सर इसलिए मैंने बोला नहीं इनको क्योंकि जो एनएफएल के लिए आपसे बात हुई थी सर 4 तारीख का ही है वहां पे वो मेला भी अगर हम एनएफएल में भी कर रहे हैं सर. अच्छा 4 तारीख की नहीं की सर हमने. सर आई हैव नॉट गिवन द डेट एक्चुअली ना आई वाज डिस्कसिंग ऑन द 18 ऑफ द अक्टूबर विद द करमपाल. करमपाल सजेस्टेड द डेट ना. आई एम नॉट सजेस्टेड द डेट एंड आई एम नॉट गिवन द डेट. ही इज गिवन द डेट. आई हैव सेम गिवन द डेट टू द मैनेजमेंट. सो आई हैव टेकन द फर्स्ट टाइम अप्रूवल this amount we date is still not an issue. Arpit ji, date is still not an issue. Whatever is beneficial, effective and efficient for us together, yeah, because the very purpose of Grameen Mahotsav, which is a festive for Reno and creating environment and business for Asim Group, is more important. So we can choose date accordingly, not a problem. Because I'm point of view, like why I'm just pointing out is that we'll be just a few days before Diwali and Dhanteras, and you don't want to miss out on any customer business at the dealership or with the customers. Every day will be crucial. Even though we are not doing huge business every day, but every inquiry still makes a difference. So, us point of view, se main ye socha tha ki ye best date aur date kya banti hai. तो मेरा तो पर्पस वाज जो मैं बात कर रहा था अपना कर्म से तो मैं पर्पस यही था कि मैं बोल रहा था कि यार एक गांव में तो हम कर रहे हैं लेकिन आसपास के 4-5 गांव में भी हम मुनादी वगैरह चलाएं और लोगों को बुलाएं
और हर हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव सेल्स कंसल्टेंट का टारगेट हो कि 20-20 कस्टमर को हम बुला के लाएं, ताकि जो दिवाली का एक माहौल है, हम कहीं ऐसे नए कस्टमर्स भी होते हैं जो सोचते हैं कि हमने गाड़ी लेनी है लेकिन वो सही डिसीजन टाइम नहीं ले पाते हैं, तो अगर हम उनके पास पहले पहुंच जाएं एंड इफ़ दे कम टू अस ऑन दैट पर्टिकुलर डे एंड वी कैन यू नो मेक द दिवाली सेलिब्रेट हैप्पीली, अगर हम चाहे बुकिंग भी उस दिन ले लें और 12 तारीख की दिवाली है और दिवाली वाले दिन हम उनको डिलीवरी कर दें या धनतेरस दिन वाले दिन डिलीवरी कर रहे हैं, धनतेरस शुड बी ऑन 10th आई थिंक ना, तो यही पर्पस था टू क्रिएट अ एटमॉस्फेयर फॉर असीम की जो हम अभी 8, 9, 10, 12 गाड़ी पे रहते हैं, क्या हम वहाँ पे पानीपत में विद दी एफर्ट्स ऑफ अवर टीम एंड अब हम लोग भी सब मिलके क्या हम उसको 3-4 गाड़ी एक्स्ट्रा हम सेल कर सकते हैं, द होल पर्पस वॉज दैट. ठीक है ठीक है सर, आई थिंक लेट्स गो अहेड देन विद दी एक्टिविटी इफ दैट्स दी केस. मतलब 6 और 7 के बीच में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है. मंडे और ट्यूजडे करनपाल, व्हाट कुड बी द एग्जैक्ट बेटर डेट? ट्यूजडे को कर लेते हैं सर, 7 तारीख को. इफ अंकित जी एंड रतन सर बोथ एग्रीड फॉर 7th ट्यूजडे, आई थिंक वी शुड गो अहेड विद दी एक्टिविटी. अंकित. Yes, yes. अंकित 7 तारीख का इनका कर लो. Yes, sir. और 8 तारीख को जो है आप कांगड़ा में कर लो, 9 को आप मंडी में कर लो. नो प्रॉब्लम, वी विल रीच देम, नो प्रॉब्लम. हम मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. या क्योंकि असीम से मेरे को ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिख रही है और कांगड़ा में दिख रही है. कांगड़ा वो अपने आप रविंदर जी मैनेज कर लेते हैं, मंडी का खाली एक इशू है, वो हम लोग को एक दिन पहले भी चले जाएंगे वहाँ पे 8 तारीख कांगड़ा करके और 9 तारीख को कर लेंगे. बट मेरे को यहाँ से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दिखती है हरियाणा से, क्योंकि अगर मेरे को यहाँ से 3 से 4 गाड़ी बॉस उस दिन एक्स्ट्रा मिल गई ना, तो मतलब असीम के ग्रुप को भी एक लगेगा कि हाँ यार एफर्ट हमने किए ये 10 दिन पे हमने, क्योंकि ये 10 दिन का मौका ऐसा है जहाँ पे हमारे सेल्स कंसल्टेंट टीम लीडर सबको बिलों से निकालेंगे और कोई भी ऐसा ये 4-5 गांव में लोगों को नहीं छोड़ेंगे. करमपाल भाई इसी गांव में ही फोकस कर रहे हैं, जो आपने बताया बिपोली बरोली जो भी बताए हैं, ये सब में ही फोकस करके टीम लीडर्स को टारगेट लगा दो कि भैया 25-25, 30-30 कस्टमर्स की लिस्ट लेके आओ कि उन्होंने आना ही आना है और बुकिंग करवा के लाओ. स्पेशल बुकिंग के लिए जो भी आपने करना है, डिस्काउंट स्कीम ऑफर जो करना करो, पर ये 3 से 5 की अपने को एक्स्ट्रा चाहिए. ठीक है सर, है ना? तो अर्पित जी डन, आई थिंक 7th वी कैन क्लोज इट, 7th वी कैन डू इट, नॉट अ प्रॉब्लम. राइट सर, राइट राइट सर. आप मुझे या शाम तक या कल सुबह तक भाई. ठीक है सर. अर्पित जी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा है यार, कितनी बार मैं आया हूँ मुलाकात नहीं हो पाई. हाँ समझो सर, नॉट अपना वो टाइमिंग बैठा नहीं, बट व्हेनेवर आर यू प्लानिंग टू कम डाउन सर? सर जवाब हुक्म करोगे हम आ जाएंगे, कल वो लोग चला जाएंगे, हमें क्या है. फर्स्ट वीक नवंबर में एक बार लगा लेंगे, 2-3 तारीख में एक चक्कर आऊंगा आपसे मिलने के लिए. डन सर, डन जी. चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू. करम भाई कुछ और पूछना हो तो आप बता दो अभी भी. हाँ मतलब करमपाल, एनीथिंग टू डू विद मार्केटिंग जो आप कर रहे हैं या करने के लिए आपको सहयोग चाहिए? आई बिलीव देयर इज एन एजेंसी व्हिच इज हेल्पिंग अस इन दिस ग्रामीण महोत्सव. नो 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 एजेंसी, नो एजेंसी. लास्ट टाइम वी ओनली ड्रॉप अप, दैट हैज बीन ड्रॉप्ड. नहीं नहीं नहीं, वो बॉस क्या होता है, वो खामखाम है, क्या होता है, खुद ही 1.5-2 लाख रुपए ले लेते हैं और हमारे बेनिफिट का कोई काम नहीं होता है, और वो काम होता है 25-30 हजार का जो हम लोग खुद ही अपने आप मैनेज कर लेंगे. वो इफेक्टिव होता है क्योंकि करमपाल ने बहुत अच्छा बॉस किया है. आपने विजिट नहीं किया था जो रेनो मॉडल विलेज और रेनो बुकिंग सेंटर के जो इवेंट्स हुए थे और इस्लामाबाद में हम लोग ने एक ग्रामीण महोत्सव किया था. एक्सलेंट, आई मस्ट अप्रिशिएट हिम. खास करके जो स्कूल में हम लोग ग्रामीण महोत्सव किया था, बहुत बढ़िया हुआ था. नहीं नहीं, मुझे सर वो इवेंट की मैंने देखे थे, सॉ द वीडियोस एंड द फोटोग्राफ्स, आई रिमेंबर द एक्टिविटी. मैंने ये जो एक उसी के ऊपर करमपाल
ने ये फीडबैक दिया था दैट वी डू द ग्रामीण महोत्सव, इट इज जस्ट दैट वी क्रिएट सम माइलेज आउट ऑफ द इवेंट. माइलेज तो मिल जाती है बट आर वी टारगेटिंग द राइट ऑडियंस एंड आर वी ब्रिंगिंग इन द प्रोस्पेक्ट्स. उससे हमारा इवेंचुअल गोल जो फ्रूटफुल बिजनेस का है वो कितना अचीव हो रहा है या मीट होना चाहिए वो देखने वाली बात है कि हाउ डू वी एड्रेस दैट दिस टाइम अनलाइक द प्रीवियस टाइम वेयर वी डिड द एक्टिविटी वी गैदर्ड पीपल वी मेड अ हल्ला गुल्ला इन द एरिया बट हाउ मच वर वी एबल टू यू नो इन द लॉन्ग रन ब्रिंग आउट. तो कितनी गाड़ियां उस एरिया के आसपास गई एक तरीके से उस एरिया में गई उन गांव में गई वो वाला सवाल है सर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. करमपाल ये आप वर्किंग कर लो तो जो अर्पित जी बोल रहे ना मैं इसके लिए क्या करूंगा 2 तारीख को एक बार प्लान करूंगा. अभी टेंटेटिव रख रहा हूँ 2 तारीख को कोशिश करूंगा मैं और अंकित आपके पास एक बार आ जाएं वहां पे और फिर अपना अर्पित जी से भी एक मिल लेंगे एक दिन के लिए और आपको प्रॉपर गाइडेंस मैं फोन पे भी कर दूंगा कैसे कैसे आपने टारगेट करने हैं सही टाइप से कस्टमर और अपनी टीम को अलर्ट करना है. टीम जो है ना सही फोकस करके सही कस्टमर्स को निकाल के ले पाए कोई डाटा से और इसी के साथ ही हमने वीएलई सीएससी को भी यूज करना है जो मैं डीएम से भी बात करूंगा उनके स्पोक से भी करूंगा कि कैसे अपने को इफेक्टिविटी यहां से मिले. सर वही है ना वो वीएलई वाला यही मैटर हर बार ही होता है सर आपको भी पता है वीएलई से हमें कंपनियां नहीं मिल पाती सर. वीएलई को हम देखो वो देखो करम भाई वो तो हम भी फॉलो अप नहीं करते ना वो जब तक हम नहीं जाएंगे उनसे लिस्ट नहीं मांगेंगे उनको जाकर के बैठेंगे नहीं तो हमें लिस्ट नहीं मिलेगी वो अपने आप नहीं देगा बॉस. मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ बातचीत भी करते रहते हैं वो एक आध इंक्वायरी भी देते हैं वो चलो अलग बात है कि कन्वर्ट नहीं हो पाती लेकिन एक दो वीएलई है अच्छा पानीपत में जो हमें इंक्वायरी करता है वो चाहे उसको ओल्ड कार की रिक्वायरमेंट हो न्यू कार की रिक्वायरमेंट हो वो करता है सर. लास्ट वही है कि भी जितने हैं वीएलई हमारे पास हैं कम से कम भी 40-50 हैं जो टच में कॉन्टेक्ट हैं जिनके पास लेकिन वो सब से नहीं मिल पाता सर वो कंट्रीब्यूशन वहां से इंक्वायरी का. उनमें से केवल करम भाई 5 बंदों को पकड़ो यार 5 बंदों को पकड़ के नर्चर कर दो उनको अगर कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव देना है वो भी आप उनको अनाउंस कर दो बोलो यार हमें चाहिए तुमसे हर महीने 3 गाड़ी चाहिए मेरे को 3 गाड़ी के लिए लो भाई हम तुमको 5,000 रुपये पर गाड़ी देंगे जो सीएससी से कमीशन आती होगी आती हो एक बार जोश से हम कर देना तो फिर देखते हैं कि क्या होता है. धर्मपाल जो लास्ट टाइम बताया था ना जैसा प्रैक्टिस बताया था वो बड़ा सिंपल ही था कि एक बार कॉलिंग करके उन्हें वैलिडेट कर लो जो अभी रतन सर बोल रहे हैं ना तो बैलिंग मतलब उनको एक बार वैलिडेट कर लो उसमें से लोगों को निकाल लो कि कितने लोग हमारे लिए पोटेंशियल है तो उनको वी विल टारगेट इट ना. अभी हमने ऐसी एक दो लोकेशंस पे किया है जम्मू में तो वहाँ से आउटपुट आना स्टार्ट हो गया वहाँ पे जो हमने 400 VLE CSE थे और उसमें से जो है 40 के अप्रोक्स वैलिडेट हुए जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस महीने वो मतलब इंक्वायरीज वगैरह दी हैं तो वी आर डिलीवरिंग 2 व्हीकल बाई द हेल्प ऑफ VLE CSE इन जम्मू है ना. वहाँ पे है सर देखो वही है ना हर एरिया के अलग अलग होता है सर. यहाँ पे क्या है कि हम उनके पास जा रहे हैं सारी चीजें दे रहे हैं वो इंक्वायरी देते हैं हम कस्टमर से भी मीटिंग फिक्स करने की कोशिश करते हैं लेकिन कस्टमर की मीटिंग फिक्स नहीं हो पाती. अब वही वीएलई ये बोलता है कि जी मेरे पास टाटा के लिए जो कस्टमर आ रहा है वो बैठे बैठे आराम से लेके चला जाता है मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती. लेकिन रेनो के लिए हम कहते हैं कि तो रेनो के लिए हमने करने हैं एफर्ट हम कस्टमर से मिलेंगे हम टेस्ट ड्राइव देंगे हम कस्टमर के घर पे जाएंगे आप कम से कम एक बार मीटिंग तो फिक्स करवाओ कस्टमर के साथ तो वो चीज नहीं हो पाती सर. ये जो वीएलई बोल रहे हो ये अपने आसपास में कितने रेडियस में किलोमीटर की रेडियस में होंगे ये है सर सारे 8-10 किलोमीटर के एरिया में ये सर लोकल पानीपत में हो गया. मैं आपको कल बताऊंगा मैं 2 दिन के लिए आऊंगा और मेरा पानीपत में ही होटल बुक कर दो मैं चलूंगा आपके साथ में. ये अपने जितने भी अपने वीएलडी हैं जो आप बोल रहे हो सॉलिड 4-5 टाटा फाटा वाले इनको दे के आते हैं एक इनको अर्पित भाई अर्पित सर आप मेरे पे छोड़ दीजिए इनको हम एक आपकी तरफ से ना एक तोहफा दे के आते हैं और देखते हैं लेट अस सी द रिजल्ट क्या आता है लेट अस सी द रिजल्ट एक 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 एग्जांपल करेंगे इस बार sir, इस महीने इफ वी आर एबल टू लुक आई एम नॉट सेइंग दैट कि करमपाल हैज नॉट डन इन द पास्ट और आप
नहीं कर सकते हैं. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट करमपाल की समटाइम्स सम थिंग्स कैन क्लिक, कभी भी क्लिक हो सकती हैं वो, और वो एक नई दिशा, एक नई सोच, एक नए इशारे के साथ चल सकती हैं. Yeah, yeah. He is doing a wonderful job and he has done the meetings and all. He has tried his level best. But let us give one more push this time in a different way. कि थोड़ा साथ में रहेंगे तो करमपाल को भी लगेगा हाँ यार चलो एक से भले दो क्या ग्यारह हो गए तो कुछ करेंगे. Right. ठीक है करम भाई. ठीक है सर. ठीक है जी. और कोई डाउट? Already we have shared the approval mail, budget approval mail no yesterday. ठीक है सर. I hope you have gone through. नहीं अभी मैं वो चेक नहीं किया सर. मेल कर लेना अर्पित सर. मैंने आपको भी सीसी मार्क किया है. राय सॉय मेल आई रिसीव्ड योर मेल. या ओके थैंक यू. रिसीव्ड योर मेल है ना. वो बजट जो मांगा है वो पहली बार सर. वी आर कन्विंसिंग द मैनेजमेंट फॉर द अप्रूवल. वी आर टेकिंग अ न्यू इनिशिएटिव. रतन सर नो वेरी वेल के मतलब इसमें कितना हार्ड वर्क हुआ है. टू मच हार्ड वर्क फॉर द कन्विंस द मैनेजमेंट फॉर अप्रूवल टेकिंग द अप्रूवल फॉर दिस बजट. No, I don't know. Let we have approvals, we have the efforts. Let's just make something creative. Out of it. That's the objective. इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, result oriented उसको रखते हैं. So let's keep it where at least we gaze some short to medium term business को हम gain करें. Right. Yes. चलो ठीक है. Okay. Thank you. Right. Thank you, Arpit ji. Thanks for coming in. I think good suggestion, good interaction. एंड करमपाल भाई बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जैसे आप हमेशा करते हो बुलंद बिल्कुल मूछे ऊपर करके काम करो. हैं ऑल द बेस्ट. ठीक है सर. ठीक है जी. थैंक यू. वेरी गुड. यू आर माय बेस्ट सेल्स हेड. करो. ओके सर. ओके सर.